हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे आरबी किचन में स्वागत है। तो देख लीजिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्जी। जैसे आप लोग तो कुंदरू जानते होंगे, तो हर जगह यही चीज़ बोली जाती है। अगर कुछ और बोलते होंगे तो आप लोग देख के भी समझ जाएंगे इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसे कुंदरू ही बोलते हैं। तो देख लीजिए, मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी, उसमें जीरा अच्छे से लाल हो चुका था, मतलब चटक गया था, तो उसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दी। अब प्याज काट डालने के बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी और देख लीजिए इसे दोनों को अच्छी तरह से भूनूंगी। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? आप सब आई होप हो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त रहें इसी तरह। अब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख लीजिए, मैं इसे कुंदरू को पहले धुल के उसके बाद में काटती हूँ। काटने के बाद इसे नहीं धुला जाता है। मैं बता दूँ, ऐसे तो आप सब बनाए खाए होंगे, अगर जो नहीं बनाए हैं वो भी सुन लें। देख लीजिए, मैं ऐसे पन्नी इसका खोली नहीं, पोलोथीन से बाहर नहीं निकाली थी, ऐसे ही उठा के पन्नी फ्रिज में रख दी, इसलिए मेरे कुंदरू पक भी गए। रखने से गर्मी है, फ्रिज के अंदर भी पक गया या देख लीजिए, लेकिन फिर भी आप उसे लाते मार्केट से तुरंत खाली करके रखेंगे तो बिल्कुल हरा भरा रहेगा, अच्छा दिखेगा। लेकिन अभी भी कोई ख़राब नहीं हुआ, फिर भी देख लीजिए, मैं इसे अच्छी तरह से चला दी। चलाने के बाद देखना मैं क्या करती हूँ। तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, आप सब भी बनाइए, खाइए, एक बार ज़रूर देखिए ट्राई करके कि कैसी लगती है। हमें तो बहुत पसंद है, क्योंकि हरी सब्ज़ी खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलती है हमें, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जितने हो सके हरी सब्ज़ियाँ खाएं। मसाले वाली भी खाते हैं लेकिन कम। और देख लीजिए, हरी सब्ज़ी जब जो लाती हूँ वही बनाती हूँ। नमक स्वाद अनुसार डालना है, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे दाल चावल के साथ खाएँगे सब्ज़ी को, इसीलिए नमक हिसाब भर करना। तो अब देख लीजिए, मैं इसे नमक डाल के अच्छी तरह से चला रही हूँ। जब चला के इसे ढक दूँगी, कम आँच कर दूँगी गैस का, मतलब गैस कम कर दूँगी, अच्छे से इसे होने दूँगी, क्योंकि ये भी अच्छे से होगा तभी अच्छा लगेगा। देख लीजिए, मैं ढक दी और मैं जैसे बताई आप सबको दाल चावल, तो देख लीजिए मेरा दाल बन के तैयार हो चुका है। दाल बढ़िया देखने में, देखो कितना अच्छा लग रहा है। दाल मैंने फ्राई कर दी अच्छी तरह से, सब्ज़ी चला दी, सब्ज़ी भी हो चुका है पूरी तरह। बस थोड़ी देर के लिए और मैं रखूँगी इसे गैस पर, देख लीजिए अच्छे से और हो जाए, गलोल जाए। बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। तो आप सब मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताना, और जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं इसे जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल जैसे वीडियो डालने में मुझे लेट हो जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि घर पर पापा जी आए हैं, काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो डालने का, तो इसके लिए मैं सॉरी आप सबसे बोल रही हूँ। तो दाल चावल सब्जी में बना दिए, देख लीजिए, और इसके साथ हम खाएंगे। आप सब बताइए आप सब कैसे हैं? इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना। जो भी हमें गलती दिखे वो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में। तो इसी तरह से देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे मेरे वीडियो से जुड़े